वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और पार्ट टू में आप लोगों का स्वागत है। मीन्स ये गोवा वाला पार्ट टू जो है, अगर पार्ट वन अभी तक आपने देखा नहीं है तो पार्ट टू शुरू करने से पहले आई बटन में मैं दे दूंगा लिंक। तो पहले पार्ट वन देख लेना, उसके बाद ही पार्ट टू शुरू करना। तो पार्ट टू भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग गोवा पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, और ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। पहले बहुत जोर का भूख लगा है, और मेरे रूम से व्यू देखिए आप एक बार। तो एसी की वजह से थोड़ा सा फॉगी हो गया है, जो शीशा लगा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा व्यू है। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मिलते हैं बाद में। मैं सोच रहा था ब्रेकफास्ट करके थोड़ा बाहर मीन्स क्रूज के ओपन एरिया में जाऊंगा, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ये देख रहा हूँ। सॉरी, वो गंदा शीशे के वजह से वो ठीक से दिखा नहीं, तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लिखा है वेलकम टू गोवा। तो गोवा का जो ट्रिप है यहाँ से शुरू होता है, क्या आगे होने वाला है मुझे भी पता नहीं, लेकिन जो भी होगा इस कैमरे में कैप्चर जरूर होगा। तो क्रूज का सफर समाप्त हुआ, हम लोग अभी क्रूज से नीचे जाएंगे और गोवा में एंजॉय करेंगे। होटल का बाहर का व्यू, ये बहुत बड़ा होटल है तो घुमा के दिखाएंगे। पहले चेक इन कर लेते हैं। रेडी नहीं हुआ है तो लंच करने के बाद रूम मिलेगा, तो डायरेक्टली हम लोग लंच करने जा रहे हैं। और मैं आ गया वेट फ्लोर पर। और मेरे पीछे है स्विमिंग पूल। बीच तो दिखाई दे रहा है।
स्विमिंग पूल पे कूदने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलता है तो कूद के देखेंगे एक बार। और उसके ठीक पीछे उधर बीच हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, शायद कैमरे में दिखाई ना दे, थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छा होटल लग रहा है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका होटल का जो वेबसाइट का लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, और बहुत एक्सपेंसिव भी है ये होटल। पहले खाना तो ले लो। तो बहुत देर बाद रूम मिला, बहुत देर बाद, और ये है हम लोगों का रूम, दो बेड के साथ एक बहुत बड़ा टीवी भी है। रूम में कोई कॉम्प्लेन नहीं है, रूम बहुत ही अच्छा है। ये है रूम का अरे ये तो बैल्कनी हो गया, ये बैल्कनी है, मैं सोचा था विंडो है। इधर एक विंडो है, ओहो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर एक डोर है, ये लॉक है कि ये लॉक है, पता नहीं इसमें अंदर क्या है। चलिए बाथरूम की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर एक कबर्ड रखा हुआ है, ये शायद फ्रिज है, फ्रिज के अंदर कुछ नहीं है। दिस इज बाथरूम, और बहुत बढ़िया बाथरूम है। लेकिन थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा है। और इस बार मेरा रूम पार्टनर चेंज हो गया, हर बार कोई बड़ा बंदा रहता था, इस बार छोटा बंदा मेरे साथ है। ओवर एंड आउट, ओवर एंड चार्ली रिपोर्टिंग। हाँ, बाल का हालत एकदम खराब है, पूरा बदन पसीने से बदबूदार हो गया है। और हम लोग अभी जाएंगे नहाने, हम लोग नहीं अकेले अकेले जाएंगे, पहले ये जाएगा अपना टी शर्ट उतारते उतारते रह गया, क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ। तो हम लोगों का मीटिंग चालू होने वाला है, तो जा रहे हैं। हम लोगों का ड्रेस कोड ये वाइट टी शर्ट है, तो सभी लोग वाइट टी शर्ट में आएंगे। आई विल लव दिस। तो रेडियो पे जा रहे हैं दोनों, मीटिंग के बाद मिलते हैं। मीटिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो Yeah, please. Both of you be seated. And can I get a cordless mic fitting, please? Can I get a cordless mic? What's your name? Ram Krishna. My brother Hans. Akash. Okay. Ram Krishna and Akashji. We're going to try a connection between both of you. And that. Thank you very much. Okay. In a moment, I'm going to ask you to close your eyes, okay? Hold up your arm. Stay relaxed, like this. I'm going to ask you to close your eyes, okay? When your eyes will be closed, I'm going to touch you with this card very gently on your arm, okay?
I want you to remember how many times you feel that touch and where you feel it exactly. But do not say it until I ask you to open up your eyes. Don't do anything and don't move like this. Okay? Okay. But stay relaxed. Akash, your job is to watch with the rest of the audience in the beginning. Okay? Hold the mic, please. Perfect. Take a deep breath in through your nose and out your mouth. Again, in through your nose, out your mouth. Close your eyes. Please close your eyes. Keep your eyes closed. Relaxing, drifting, floating. Keep your eyes completely closed. In a moment, you're going to feel certain sensations, certain touch, and I want you to remember that inside your head. Now, before you open up your eyes, a moment ago, did you feel any general sensation in the? Yes, I did. You did? How? Where did you feel exactly? I felt a brush. Right there? Yes. How many times? Once. Once. तो मीटिंग इज ओवर. अभी कुछ बज रहा है रात के 8:30 और अभी शुरू होगा हम लोगों का बीच पार्टी. शुरू हो गया है, म्यूजिक भी आ रहा है दूर से. तो जाएंगे सीधा बीच पार्टी पर, एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत शूट भी करते हैं. और पीछे होटल का जो व्यू है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है व्यू. एक फ़ोटो खींच लेते हैं. तो दूर से म्यूजिक सुनाई दे रहा है, पार्टी वार्टी शुरू हो गया है. अभी अंधेरा है तो शूटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा रोशनी है उसमें थोड़ा आ रहा है. और आगे जाऊँगा तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि म्यूजिक चलेगा. मिलते हैं पार्टी पे. वेरी गुड मॉर्निंग. ये day 3 है, part 2 का day 2 है. टोटल ट्रिप का day 3 है. और ये फॉगी क्यों दिख रहा है? रात को सोने गए लगभग कुछ 1:30 बजे 2 बजे के आसपास. ये बंदा और भी लेट से आया. और अभी सुबह 7:30 बज रहे हैं. हम लोग थोड़ा बीच में जा रहे हैं क्योंकि 9 बजे चेकआउट है और बीच में जल्दी जाके जल्दी आना भी. आज ही चेकआउट है, आज ही जाना है फ्लाइट पकड़ने के लिए. तो सब कुछ आज ही कंप्लीट करना है. हाथ में बहुत टाइम कम है और लंबा सेशन मीटिंग भी होने वाला है. हम लोग अभी बीच पर आ गए हैं. सामने हम लोगों का समुंदर है और पैर में फंस रहा है रेत ही रेत. और रियलिटी क्या है पता है? आप अगर पानी में नहीं उतरते हो और आपके दोस्त लोग पानी में अगर उतरते हैं तो यू बिकम अ टेम्पोररी हैंगर. तो टेम्पोररी हैंगर होकर अभी घूम रहे हैं बीच में.
लेकिन मेरे पास कैमरा है जिसके वजह से मैं पानी में नहीं उतर रहा हूँ। और हम लोगों को अभी फिर जाना भी है, तो लेट ना हो जाए तो मैं पानी में नहीं उतर रहा हूँ। मीटिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद शायद लंच होगा, उसके बाद हम लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए चले जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो उसे भी आधा घंटे के लिए मैं आया था बीच का व्यू देखने के लिए। गोवा पूरा एक्सप्लोर करना हुआ नहीं, लेकिन जितना हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको, आप लोगों को भी अगर अच्छा लग रहा है ये ब्लॉग तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा। आप पहले गोवा आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और गोवा आना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा, कमेंट का रिप्लाई दूंगा जरूर। और 9 बजे तक ब्रेकफास्ट था, और 9:05 हो चुका है और हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं ताकि ब्रेकफास्ट मिल जाए। सुबह सुबह उठ कर भी अगर ब्रेकफास्ट ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। तो ब्रेकफास्ट मिल गया, ब्रेकफास्ट आने के बाद अभी चेकआउट करना है और उसके बाद मीटिंग शुरू होगा। और ये राजू राय चौधरी है। सो इट इज़ द टाइम, हम लोग का मीटिंग शुरू होने जा रहा है, तो कैमरा भी ऑफ हो जाएगा, मीटिंग में पूरा इन्वॉल्व हो जाऊंगा और मीटिंग खत्म होने के बाद आपसे फिर से मिलूंगा। और दिस इज द एंड ऑफ आवर कॉन्फ्रेंस, तो अभी जाएंगे फ्लाइट। वेरी नाइस जर्नी, बहुत कैसा लगा? एंड वी आर वेरी मोटिवेटेड, लेट्स सी क्या होता है इस मंथ, अब जाके काम करना है। वेरी नाइस कॉन्फ्रेंस कम्स टू एन एंड एंड वी आर गेटिंग सो मच मोटिवेटेड। छोटा बैग आगे ले लीजिएगा, फोटो उठो। रीच्ड एट गोवा एयरपोर्ट, हम लोगों का फ्लाइट 8:15 को है, तो एक घंटे के ऊपर वेट करना पड़ेगा उसके बाद फ्लाइट। जय हिंद। जय हिंद के जय हिंद बोलो। जय हिंद। तो ये वीडियो मैं एक्चुअली ठीक से ख़त्म नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। जो भी है, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप गोवा में गए हैं, इस होटल में रहे हैं, अगर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा, कैसा लगा तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, शायद अच्छा ही लगा होगा। और मैं क्यों वीडियो ठीक से एंड नहीं कर पाया, उसका रीज़न यह है कि लौटने के टाइम जब मैं एयरपोर्ट से घर लौट रहा था तो थोड़ा एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया, मूड एकदम बिगड़ गया था। तो अगर आपको देखना है क्यों मैं एंड नहीं कर पाया तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। जो भी है, अभी मूड बिगड़ने से क्या फ़ायदा, वो सब उस वीडियो में देखना, इस वीडियो में सिर्फ एंजॉय करना और सब्सक्राइब करके जाना। नीचे है दिया हुआ बटन रेड कलर का, सब्सक्राइब करके जाना। तो बहुत क्या, रुको बाथरूम का भी लेना है तो बहुत। तो ये रहा नौ बजे तक ब्रेकफास्ट था और अभी 9:05 बज गया है, अंधेरा पूरा काला आ रहा है।